मान्यवर, मैंने कहा जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए, जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए 370 जिम्मेदार है, और मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। 2,77,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी पैकेज के अलावे। मान्यवर, नीचे देखते हैं तो जमीन पर कुछ नहीं। मैं इसमें बाद में आता हूं क्यों कुछ नहीं हुआ, मगर 2011 और 2012 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3683 रुपया भेजा, 3683, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों को वहां एंट्री नहीं है। कौन रोकता है? 370 रुपया। मान्यवर, 2017 से 18 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 17-18 में 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया, मगर नीचे तक नहीं जाता, क्योंकि धारा 370 ने मोनोपोली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चंद लोग जो 3 परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली, लोहे की एजेंसियां ले ली। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, सीमेंट वहां पर देश से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है, 100 रुपया प्रति थैली महंगा। क्यों? क्योंकि किसी को बिजनेस करने की वहां परमिशन नहीं, स्पर्धा ही नहीं होती है, और ये 3 परिवार का आशीर्वाद जिस पर होता है वही बिजनेस कर पाता है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो 370 की वकीलात करते हैं उनको, ये रुपया कहां गया? जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ऑडिटर गया, एडमिनिस्ट्रेटर रखा, अच्छे अच्छों के चेहरों पर मैंने मान्यवर सर्दियों में पसीना देखा है, और ये जो हो हल्ला हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हो हल्ला इसलिए हो रहा है कि अब जांच शुरू हुई, वहां राष्ट्रपति शासन है, जांच शुरू हुई है, इसलिए हो हल्ला। मैं समझता हूं कि इसको एक अलग रंग देना चाहते हैं।